नमस्कार दोस्तों, फंडामेंटल इन्वेस्टर चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम यहां पे कंपनी के बारे में बात करने वाले, बहुत ही अच्छी कंपनी है। लगभग उसका अगर हाई एंड लोज देखेंगे तो 43 रुपये से 406 रुपये का टॉप किया था, तो लगभग 900% उसने ऑलरेडी रिटर्न जनरेट करके दिए हुए हैं। बट हमें पुराने रिटर्न से आगे का फ्यूचर तय नहीं करना चाहिए। इतने इसमें आप दिए, अभी डाउनफॉल आएगा या फिर गिर जाएगा शेयर। इसके जो रिजल्ट्स आए हैं वो बहुत ही कमाल के हैं। कंपनी ने कंस्टेंटली ग्रोथ किया है, पिछले रिजल्ट्स भी कमाल के थे। इसकी वजह से लगभग 43 रुपए से कंपनी 400 रुपए टच की और ये रिजल्ट्स उससे भी कमाल है। तो आप सोच सकते हैं जो 323 से कब इसका 1000 हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। सो इस कंपनी के बारे में पूरा एनालिसिस करेंगे और कंपनी कितनी ज्यादा अपसाइड मोमेंटम दे सकती है उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। वहां पर हम मल्टीबैगर शेयर्स बहुत ज्यादा प्रोवाइड कराते रहते हैं, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं बीए पैक जो हमने शेयर रिकमेंडेड किया था, या फिर बेटेक्स इंडिया, बहुत सारे शेयर जो कि 1000% से भी ज्यादा के रिटर्न दे चुके हैं 5-6 महीनों में ही। सो आपको अगर ऐसे शेयर चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक एक बार ज्वाइन जरूर हो जाइएगा। तो दोस्तों मैं इसके रिजल्ट्स डिस्कस करने से पहले कुछ कंपनी के छोटे से चीज़ें उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। कंपनी के मार्केट कैप से लेके कंपनी कितना बिजनेस अपना एक्सपांड कर चुके और आगे कितना करने वाली है, उन्होंने क्वार्टर रिजल्ट्स में दिया हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। कंपनी के बाकी फाइनेंशियल रेशियोज भी देखेंगे। कंपनी आप अपने आप एनालिसिस हो जाओगे आप कि आपको कितने में इन्वेस्ट करना है और कितने ज़्यादा इसमें रिटर्न अर्निंग हो सकती है। तो चलिए कंपनी के मार्केट कैप से शुरू करते हैं। 291 करोड़ का मार्केट कैप है। मिड कैप कंपनी लगभग करंट प्राइस देख सकते हैं 323 रुपीज़ है और यहाँ पे स्टॉक पी देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 9 पॉइंट का है। सो आप समझ सकते हैं बहुत अच्छा खासा अंडरवैल्यूड कंपनी अभी भी इस टाइम पे है। बुक वैल्यू 170 रुपए की है जो कि क्लास से अच्छी है। कंपनी के अगर आरओसी और आरओई पे देखा जाए तो आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो अच्छा खासा नहीं है, बट रिटर्न ऑन कैपिटल 22.8 का है जो कि बहुत ग्रेट है। कंपनी का फेस वैल्यू 10 का है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी ठीक ठाक है। कंपनी की इन्वेस्टमेंट 115 करोड़ और डेब्ट 54 करोड़ के है। अभी 54 करोड़ इनके लिए कुछ वर्थ नहीं रहता क्योंकि खुद इन्वेस्टमेंट इनकी 115 करोड़ की है जो कि बहुत अच्छी खासी है। अगर कंपनी के और इंडस्ट्री पीई के बारे में बात करते हैं तो कंपनी का पीई देख सकते हैं यहाँ पे 9.45 का है और इंडस्ट्री पीई 15.1 का। सो यहाँ पे कंपनी ऑलरेडी अंडरवैल्यूड इंडस्ट्री से भी चल रही है और ये बहुत अच्छी और ग्रेट बात है। कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग देखते हैं तो 60.8% है जो कि प्लेज कुछ भी नहीं है। ये अगेन एक पॉजिटिव बात होती है और ये 60% मेरे लिए बहुत बड़ा मायना है क्योंकि कंपनी के जो नंबर्स ऑफ शेयर्स है आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 90 लाख है, उसमें से भी 60% अगर प्रमोटर्स के पास है तो लगभग समझ सकते हैं 30 लाख भी शेयर्स मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अगर इतने भी कम शॉर्टेज और एफआईआर और डीआईएस पहले से ही है तो मुझे लगता है कि यहां पे और भी शॉर्टेज की वजह शेयर की प्राइस और हाई लेवल्स पे यहां पे ट्रेड कर सकती है। अभी कंपनी के थोड़े से और मेन टॉपिक के बारे में बात करता हूं। कंपनी को जो रिटर्न ऑन एसेट्स है वो बहुत बेहतरीन है, 14 पॉइंट के है। बड़ी बड़ी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज होती है जो कि हजारों करोड़ों अब जो रुपए का टर्नओवर लेकर चलती है उनका भी रिटर्न ऑन असेट्स 14% नहीं निकाल पाते वो, और इन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से अपने असेट्स को मैनेजमेंट किया है। अगर कंपनी का ईपीएस के बारे में बात करता हूँ तो 34 का है जो कि ग्रेट है क्योंकि कंपनी का ईपीएस ही मेन होता है अर्निंग पर शेयर की। एक शेयर के पीछे वो कितना कमा रहे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जितना ज़्यादा पी से होगा, प्राइस टू अर्निंग रेशियो से जितना ज़्यादा ईपीएस अप होता है कंपनी उतनी ज़्यादा वहाँ पे अच्छा खासा डेवलप कर पाती है खुद को, कंपनी का शेयर प्राइस जंप कर पाता है। बहुत सारे लोग ईपीएस और पीई को देख के शेयर बाय करते हैं जो कि गलत हो सकता है, पर सीन ऐसा है लोग वैल्यूम तो जनरेट कर देते हैं उस शेयर में, समझे। आप सिर्फ पीई और ईपीएस को देख के कभी बाय मत कीजिए, बट जो न्यू ट्रेडर्स है दे डोंट नो हाउ टू फाइंड कंपनी और उन्हें उनको ये नहीं पता होता फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं। उन्हें 3-4 चीज़ें सीखते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग करने आ जाते हैं। सो उनकी वजह से इस शेयर में अच्छा तो फंडामेंटली अच्छा शेयर है ये, बट होता क्या है उनकी वजह से हमें और भी ज़्यादा वैल्यू मिलता है शेयर में। इसका फ़ायदा जो पुराने इन्वेस्टर्स होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा होता है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट्स आ चुका है। कंपनी की हम क्वार्टर बाय क्वार्टर का रिजल्ट्स तो इतना बहुत भी परफॉर्मेंस इनका खास नहीं था, बट जो ईयर ऑन ईयर रिजल्ट्स है वो बहुत ही कमाल के कंपनी ने दिए हुए हैं। लगल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखते हैं तो लगभग 15 करोड़ 50 लाख के अराउंड का इनका प्रॉफिट निकल के आ रहा है, और अगर थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करते हैं तो कंपनी के हम बाकी चीज़ें में देखते हैं तो लगभग 4 करोड़ 11 लाख का जो लॉस था वो लगभग 1 करोड़ 6 लाख रुपए तक इन्होंने कन्वर्ट किया है जो कि बहुत बेहतरीन। अगर कंपनी का ईपीएफ देखते हैं तो वो भी कंस्टेंटली ग्रोथ करते आ रहा है। कंपनी का अगर ईपीएफ देखेंगे तो 4.57 रुपए से लॉस था, वहाँ से लगभग 1.19 रुपए पे आए। पिछले क्वार्टर में लगभग 8 रुपए
63 पैसा था, वहां से ये स्लिप जरूर हुआ है, बट इसका जो शेयर प्राइस इस प्राइस इस टाइम में जंप अप हुआ था वो बहुत ही क्वालिटी जंप अप हुआ था, लगभग 900% के इसने रिटर्न जनरेट करके दिए थे इन जस्ट शॉर्ट टर्म। अगर यहाँ से हम थोड़ा और इस पे बाइंग का पोजीशन बनाते सो इजी हम 500 क्रॉस कर जाएंगे इन दो चार महीनों में, महीने बोल दिए मैंने तो दो चार हफ्तों में भी क्रॉस कर सकते हैं, या फिर देखते भी मार्केट का मूड कैसा है, मार्केट कभी भी स्लिप ले सकता है, थोड़ा सा स्विंग भी चल सकता है क्योंकि अभी बहुत बड़ा बुल रन भी चला, बहुत बियरिशनेस भी चला है, सो लगभग थोड़ा सा अभी सर्वियोज में मार्केट चलेगा, सो वो तो देखते हैं, बट ओवरऑल यहाँ पे मार्केट अपसाइड ही जाने वाला है इन लॉन्ग टर्म ऑल्सो। चार पकड़ लीजिए यार, लगभग तीन चार साल तो मार्केट अभी गिरने वाला, बड़ा तो करेक्शन आएगा नहीं, छोटा छोटा करेक्शन है, सो ये बाइंग का अपॉर्चुनिटी है, वहाँ पे ज़रूर खरीदना है हमें। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, कंपनी का नाम आपको बता दूँ, श्री बजरंग अलायंस लिमिटेड, एक बार और बताता हूँ, श्री बजरंग अलायंस लिमिटेड। आप बार बार लोग पूछते रहते हो कमेंट बॉक्स में नाम क्या है नाम क्या है, मैं दो बार यहाँ पे बोल चुका हूँ श्री बजरंग अलायंस लिमिटेड, तीसरी बार हो गया। अभी कंपनी के थोड़े से प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे चलते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का यहाँ पे बैलेंस शीट है, और लगभग बैलेंस शीट में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट कंपनी ने कंस्टेंटली किया और अभी भी कर ही रहे। लगभग पिछले ईयर के जो रिजर्व्स थे 108 करोड़ के थे, वहाँ से बढ़ा के 144 करोड़ के कर दिए गए, 36 करोड़ से भी ज़्यादा यहाँ पे रिजर्व्स में एडअप हुआ है। और अगर बॉरोइंग के बारे में बात करते हैं तो कंस्टेंटली बॉरोइंग भी बढ़ती जा रही है, बट ओवरऑल अगर देखेंगे 58 करोड़ की थी 2013 में और अभी 54 करोड़ की है, सो यहाँ से हम समझ सकते हैं लॉन्ग टर्म में कंपनी ने अच्छा खासा बॉरोइंग कम किया था, दो चार सालों में यहाँ पे बॉरोइंग उठाई गई है। स्टिल अगर यहाँ पे बात करेंगे नीचे फिक्स असेट्स पे, तो 8 करोड़ से कंपनी ने अपने जो फिक्स असेट थे वो 42 करोड़ रुपए किए। सो आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि इतना बड़ा बुल रन इस कंपनी में क्यों चला, कंपनी के फिक्स असेट्स कंस्टेंटली बढ़ते जा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट्स अगर देखी जाए तो लगभग 19 करोड़ की थी पहले और अभी के टाइम में 115 करोड़ की है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी इन्होंने बहुत अच्छा खासा हाथ मारा है और यहाँ पे कंस्टेंटली बहुत बड़ा यहाँ पे इंप्रूवमेंट कंपनी पे होते जा रहा है। 82 करोड़ के थे जो अदर असेट्स, वो 68 करोड़ के हो गए, बट पिछले ईयर तो 92 करोड़ के थे। ओवरऑल यहाँ पे अदर असेट्स कम हुए बट फिक्स असेट्स और रिजर्व्स बढ़ रहे कंस्टेंटली, ये भी हमें भूलना नहीं चाहिए। तो दोस्तों अभी कंपनी के थोड़े से एनुअल रिपोर्ट्स के बारे में बात करते हैं, जो इनका जो ईयर ऑन ईयर रिजल्ट्स कैसा है वो लगभग देख सकते हैं। मार्च 2020 में कंपनी के सेल्स लगभग 175 करोड़ थे, वहाँ से 214 करोड़ के हुए, वहाँ से लगभग इसके प्रॉफिट्स देखे जाए ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स 3 करोड़ से 9 करोड़, तो यहाँ पे लगभग 300% जंप तो पहले ही लग चुकी है। कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन फ्रॉम 2% टू 4% गए, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। कंपनी ने इंटरेस्ट पे किया है 2 करोड़ का ज़्यादा, पर कंपनी को डिप्रिसिएशन भी 2 करोड़ का ज़्यादा देना पड़ रहा है, मतलब असेट्स भी बढ़े और यहाँ पे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट दिया, मतलब यहाँ पे कंपनी के डेप्ट भी बढ़ाया गया है। कंपनी के नेट प्रॉफिट्स पे आते हैं तो लगभग आप देख सकते हैं 20 करोड़ से 14 करोड़ हो चुका था 2019 और 20 में, तो यहाँ पे इसका ईपीएस भी स्लिप होते हुए नज़र आ रहा था, उसके बाद कंपनी ने बहुत वेल परफॉर्म किया और 31 करोड़ के प्रॉफिट्स इन जस्ट वन ईयर निकाल के दिए विद ईपीएस ऑफ 34.21 रुपीज़। सो मुझे लगता है कंपनी अगर कंस्टेंटली ऐसी ग्रोथ करती जाएगी तो ईजिली एक दो सालों के अंदर अंदर ये कंपनी 1000 रुपये का शेयर प्राइस क्रॉस करके अच्छा खासा वेल परफॉर्मर इस्टेब्लिश कंपनी बन सकती है। स्टील इंडस्ट्री और एग्रो इंडस्ट्री है, दोनों भी बहुत ज्यादा बुलिश में अभी है, दोनों की नीड है गरज है। सो मुझे लगता है कि आप यहां पे समझ गए होंगे आपको एंट्री कब लेना है। लगभग ये शेयर और थोड़ा सा करेक्शन होगा जरूर इसमें, क्योंकि जो क्वार्टर रिजल्ट्स है वो बहुत बढ़िया नहीं आए हैं। सो लगभग 300 के नियर आता है तो आपको पोजीशन बना लेनी है। 500 का फर्स्ट टारगेट है, 1000 का सेकंड टारगेट है, जो कि जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा ऐसी मेरी आशा है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ कल के वीडियो में, तब तक के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा।